हेलो दोस्तों, मैं हरजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यह आने वाला एपिसोड जो है ना आपको काफी सारे सवाल देकर नहीं बल्कि एक ही सवाल देकर गया, और वो सवाल ये है कि क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और क्या यहां पर वही सीन एक बार फिर से देखने को मिलेगा जो कि लीप से पहले हमने सीरियल गुम है किसी के प्यार में की स्टार्टिंग में गढ़चिरौली में देखा था कि जहां पर जगताप जबरदस्ती सही से शादी करना चाहता है और विराट मजबूरी में आकर उससे शादी कर लेता है। यहां पर सही की जगह पर सभी है, विराट की जगह परेशान है और यहां पर जगताप की जगह समृद्ध है और उसका पिता है। वेल, पिताजी तो शादी नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर जो है उनकी पत्नी सीरियल के अंदर दिखाई गई है एंड वो उनके क्राइम में उनका पूरा साथ देती है। यानी कि यहां पर अब सवाल उठना लाजमी हो जाता, और कल से ये सवाल इतने ज्यादा आए हैं कि यहां पर सबका रिप्लाई भी मैं नहीं कर पाया, और आप लोगों की कृपा है कि रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप लोग अनफॉलो करके भाग जाते हैं। सपोर्ट करना इंस्टाग्राम पर तो दूर की बात, आप तो अनफॉलो ही कर देते हैं। वेल, यूट्यूब पर पूरा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, होपफुली वहां पर भी कर ही देंगे, लेकिन अब आपको मैं इसका जवाब देने वाला हूं आज के इस वीडियो में एंड जानेंगे इस कहानी में अंदर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में सब कुछ, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अब देखिए यहां पर कहानी सेम टू सेम उसी मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर लीप से पहले स्टार्टिंग में खड़ी थी, और यहां पर अपडेट भी आप लगातार यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, वेब पोर्टल्स पर कई बड़े बड़े वेब पोर्टल्स ने न्यूज दी है कि फिर से वैसी ही शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहां पर मेरा ओपिनियन अगर आप पूछा जाए, मुझसे पूछेंगे आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि सीरियल के मेकर से एक बार फिर से उसी कहानी को दोहराकर जो है किसी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां पर उनके सामने पूरी पूरी कहानी एज इट इज वैसी ही हो जाएगी जैसे कि यहां पर पहले थी। अब यहां पर देखो, भवानी काकू को सद्बुद्धि आई है इतने लोगों की जान के जोखिम में डालने के बाद, उन्हीं की वजह से यहां पर रिश्तों में इतनी सारी उलझने आई थी। सम्राट पहले गया, उसके बाद सही गई, विराट गया, पूरा परिवार बिखर गया, और अब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ है कि हमेशा मैं गलत थी, और आज तो कैंडी फ्लॉस खाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें सही की याद आ गई। यानी कि ये बात तो तय है कि टाइम पर जो है आपको सद्बुद्धि आ जाए तब तो बढ़िया है, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ आंसू ही बचते हैं आपके पास, और वैसे ही कहानी सीरियल की मेकर फिर से नहीं दोहराना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर रीवा की जगह पर पत्रलेखा हो जाएगी, सई की जगह पर सवि हो जाएगी, विराट की जगह पर ईशान हो जाएगा, भवानी काकू की जगह अक्का साहेब हो जाएगी, और अक्का साहेब की जगह पर जो है एक यशवंत को आप मान लो कि वो भवानी काकू बन गया है, तो इस टाइप की सेम स्टोरी लाइन बन जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। वेल, अब न्यू अपडेट की बात करूं जो कि मुझे लग रहा है कि लगभग कंफर्म है, क्योंकि इस वक्त सीरियल से जुड़ी बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है, बहुत सारे अनुमान सामने आ रहे हैं, कौन सा सच है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर इनमें से जो सबसे ऑथेंटिक मुझे लगा, सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि हाँ ये रिलेट करता है स्टोरी लाइन से एंड सीरियल के मेकर इसका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर कहानी में आने वाले एपिसोड में से स्टोरी लाइन के मुताबिक आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर रीवा को सीरियल की मेकर्स महान बनाने के बाद जो है यहां पर उसका रिश्ता ईशान से तय करते हुए जो है घर के लोग नजर आएंगे, क्योंकि ईशान यहां पर चले जाएगा रामटेक सवि के सम्मान समारोह में। उन लोगों को लगेगा कि यार ये क्या गड़बड़ है, कहीं ये सवि के पीछे पीछे रामटेक चले गया है तो कहीं सप्ताह भर लंदन में होने वाले सम्मान के अंदर जो है, मतलब ये उनके पीछे भी ना चल जाए, ईशा को घर में ना लिया है, बिकॉज ये सम्मान समारोह लंदन वाला सीन जो है आमने सामने देखने को मिलेगा, और ईशा मैम और शांतनु को लंदन जाते हुए इसलिए दिखा रहे हैं यहां पर बिकॉज यहां पर उस वाले सीन के अंदर ये दोनों नजर नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो सीरियल के मेकर्स को रिजल्ट चाहिए ना इसका, कि क्यों ईशा और शांतनु उस फंक्शन में नहीं आए जब सभी का सम्मान हो रहा है जिसको अपनी बेटी समान मानते हैं। अब देखिए यहां पर इन्हीं सब चीजों के बीच में ईशान को भी पता चल चुका है कि रीवा की बहुत बड़ी मजबूरी थी और इसी कारण उसे जाना पड़ा था मुझे छोड़कर। तो यहां पर ईशान जो है रीवा से प्यार तो नहीं करता है उतना, लेकिन कहीं ना कहीं पर सच्चाई उसके सामने आ गई है, उसे अपने आय की सच्चाई दिखती हो ना दिखती हो, वो बेवकूफ हो या ना हो, लेकिन रीवा की सच्चाई उसे एक बार में दिख जाएगी। यहां पर उसे 100 मास्क आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आय के मामले में ईशान बेवकूफ जैसी हरकत करता है, और मैं ये साफ शब्दों में कह सकता हूं, और आपके कमेंट में भी मुझे ये बात पता चलती है। अब देखिए यहां पर रीवा से शादी के लिए वो इसलिए हाँ कर देगा बिकॉज अक्का साहब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली है कि यहां पर अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, और इस अक्का साहब को जो है जिसको तुम अपनी आई मानते हो उसे दिलासा हो जाएगा कि तुम वाकई में उससे ही अपनी आई मानते हो और उसके डिसीजन का जो है वो पूरी तरीके से सम्मान करते हो। ईशान मजबूरी में आके लिए शादी के लिए हाँ कहने वाला है, और दूसरी तरफ यहां पर जो है सभी की मुसीबत बढ़ने वाली है जब समृद्ध उसको निशाना बनाने वाला है, लेकिन इससे जो है ईशान ही एक बार फिर से उसकी रक्षा करते हुए नजर आएगा।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रीवा मंडप में बैठने वाली है, दूसरी ओर यहाँ पर समृद्ध से बचाने के चक्कर में ईशान शादी कर लेगा सभी से। वेल देखो, कहानी में लॉजिक के लिए देखा जाए तो सीरियल के मेकर्स के फेवरेट सीन है, वो चाहे तो आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ पर टीआरपी देखी जाए तो देखो यार, वो इतना बड़ा रिस्क जो है मेरे ख्याल से अभी लेने के उसमें नहीं है, बिकॉज कहानी को रिपीट कर टीआरपी को दांव पर लगाने जैसा काम मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर, सभी से यहाँ पर उसे बचाने के बाद जो है सभी से उसके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, उसे समझ में आ जाएगा, और ईशान से भी जो है उसके गिले शिकवे सभी कम कर ही चुकी है, बात तो पता है, क्योंकि ईशान के मन में ये तो सच आ ही गया है कि ईशा उस टाइम पर गलत नहीं थी, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर रहा उसे, लेकिन यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट तक जो है ईशान को समझ में आने वाला है, होपफुली एंगेजमेंट ही हो, शादी ना हो, शादी भी होगी तो अलग बात है यहाँ पर, लेकिन उस मोमेंट तक जो है ईशान को ही रियलाइज होने वाला है कि उसके असल लाइफ पार्टनर, उसका असल प्यार जो है कोई और नहीं, वो रीवा नहीं बल्कि सभी है, और यहाँ पर इंगेजमेंट के मंडप हो चाहे शादी का मंडप हो, वहां पर ईशान जो है ये डिसीजन लेते हुए नजर आ सकता है और रीवा के साथ अपनी शादी को टालते हुए नजर आ सकता है कि वो सभी से प्यार करता है ना कि रीवा से। यानी कि ये कहें कि कहानी शुरू होने वाली है एक ऐसे पड़ाव से जहां पर सभी के लिए शॉकिंग होगा कि ईशान सर ने क्या किया, बिकॉज यहां पर जब रीवा से शादी की बात सभी को पता चलने वाली है तो सभी को बुरा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर उसे अच्छा नहीं लगने वाला है कि ईशान सर उससे शादी कर रहे हैं, भले ही सभी को ये रियलाइज ना हो अभी तक कि वो भी ईशान से प्यार करने लगी है। अब देखिए यहां पर भवानी काकू यहां पर पूरी फैन बन चुकी है, अच्छी तरीके से फैन बन चुकी है ईशान की, और यहां पर अगर ईशान सभी का हाथ थामने का फैसला लेता है तो भवानी काकू तो बिल्कुल यहां पर ईशान को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उनके लिए तो पिक्चर परफेक्ट दामाद जो है वो ईशान ही है, तभी तो उन्होंने ईशान को यहां पर बुलाया, और इसी के साथ ही हरिणी और बाकी लोग जो है मिलकर बातें कर रहे थे कि आज इन दोनों को देखकर जो है ईशान और सभी को देखकर जो है विराट मामा और सही मामी की याद आ गई है, और भवानी काकू भी इस पर पूरी तरीके से हां करती है कि बिल्कुल याद आ गई है, पर मैं ये सोच रहा था कि जिस मोमेंट पर ईशान को और सभी को मोमेंट मिल रहा है वो सेम टू सेम कॉपी है गढ़चिरौली वाले सीन का, लेकिन वहां पर ना तो भवानी काकू थी और हमारी शायद जो हरिणी है वो तो बहुत छोटी होगी उस टाइम पर, तो आखिरकार उनको वो सीन कैसे याद, किसी ने वीडियो बनाया था उस समय, वीडियो भी कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद है उस समय विराट के पास तो फोन तक नहीं था, वो कीपैड फोन का यूज करता था, और बाद में जगताप ने उसे बड़ा वाला फोन ऑफर किया था जिसका विराट ने जवाब दिया था एक गर्मा गर्म तमाचे और उसकी कॉलर पकड़ने के साथ, और उसके बाद सही जो है तड़कते भड़कते हुए विराट के हाउस तक पहुंची थी जिसे सरकार ने दे रखा था उस टाइम पे। वेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके की कहानियां हो सकती है। वेल देखो, कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि अपडेट बहुत सारी है, मैं खुद कंफ्यूज हूं फिलहाल, सच बताऊं तो कि कौन सीरियल के मेकर्स स्टोरीलाइन चूज करने वाले हैं, क्योंकि प्रोमो उन्होंने इतने सारे आउट कर दिए एंड कमेंट सेक्शन आ ही रहा है आपका, मैं कल देख पा रहा था बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि सीरियल के मेकर्स वाकई में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि क्या दिखाना है उनको, अब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके की कहानी वो दिखाते हैं। वेल आप किस पक्ष में है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि सही और विराट वाली कहानी फिर से दोहराई जाए स्क्रीन पर, या फिर आप चाहते हैं कि एक नए ट्विस्ट के साथ, नई स्टोरी लाइन के साथ सभी और ईशान का रिश्ता आगे बढ़े, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा आपका ओपिनियन, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सीरियल के मेकर्स के लिए भी, बिकॉज जो आप चाहते हैं वही सीरियल के मेकर्स करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि आप लोग ही है सीरियल को टीआरपी देने वाले हैं। ऑल ओवर आपके जो भी ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूं आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।